खबर ये आ रही है कि डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर वकास नजीर ने कहा है कि सारे शहर में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार है। डॉल्फिन स्क्वाड और पुलिस रिस्पांस यूनिट के अहलकार गश्त जारी रखें। शरपसंद अनासिर को कानून हाथ में ना लेने की तंबीह की जाती है। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे सरफराज खान। जी सरफराज, डीएजी ऑपरेशन लाहौर वकास नज़ीर के साथ जब हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि सारे शहर में अमन अमान की सूरत हाल जो है वो बरकरार है। पुलिस अफसरान अहलकार आज भी अपने इलाके जात में अलर्ट होकर फ़रायज़ सर अंजाम दे रहे हैं। मुज़ाहरीन शरपसंद अनासर को कानून के हाथ जो है वो नहीं इस्तेमाल करने दिया जाएगा। शहर में कानून हाथ में लेने वालों को, तोड़ फोड़ करने वालों को, अमन में खराबी करने वालों को जो है वो फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। डॉल्फिन स्क्वाड पुलिस रिस्पांस यूनिट के अहलकार शहर में अहम सड़कों पर मौसर गश्त जारी रखे हुए हैं। पुलिस ने शहर के हसास मकामात, अहम तस्नीबात की हिफाजत कर रही है। शहरी जो हैं वो सफ़र से पहले ट्रैफिक हेल्पलाइन और रास्ता एप्लीकेशन की मदद से इस्तेमाल करें। दूसरी जानिब डीएजी ऑपरेशन का ये भी कहना है कि शहर के दाखिली और खारजी रास्तों में बिलखसूस राफी टूल प्लाजा, सगियाँ पुल, कसूर, फिरोजपुर रोड पर अजाफी नफरी को तैनात कर दिया गया है। किसी भी किस्म की एमरजेंसी से निपटने के लिए किला गुजर सिंह पुलिस लाइन और कुर्बान लाइन में जो है वो अलर्ट दस्तों को रखा गया है ताकि किसी भी किस्म की जो है वो इमरजेंसी से निपटने के लिए अजाफी नफरी जो है वो यहाँ से रवाना कर दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका सरफराज, तफसीलात से आगाह करने के लिए।